नमस्ते, कथायाना पर आप सभी का स्वागत है। नए साल का दूसरा महीना है, माघ मास भी है। इस माघ महीने में हम बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि ऐसे सांस्कृतिक त्योहार मनाते तो हैं ही। फरवरी 28 के तारीख पर हमारे देश भर शालाओं में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, संशोधना संस्थाओं में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सन 1928 के फरवरी 28 के दिन हमारे देश के भौतिक विज्ञानी सर सीवी रामन ने द रामन इफेक्ट नामक एक प्रभाव को ढूंढ निकाला। उसके लिए उनको सन 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सर सीवी रामन के इस कर्तव्य को आदर करने के लिए हमारे देश में हर साल फरवरी 28 के दिन विज्ञान संबंधित भाषण, प्रदर्शनी, क्विज कंपटीशन, चित्रकला स्पर्धा ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है एक थीम के साथ। और इस साल का यानी कि 2019 का थीम है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। इसी विचार को लेकर कथायाना की तरफ से विज्ञान दिवस को एक छोटी सी भेंट, आप सभी के लिए विज्ञान के खजाने से एक कहानी। 19वीं सदी में लोग घर में या रस्ते में दीप जलाने के लिए लाइटिंग गैस का उपयोग करते थे। इस लाइटिंग गैस में विज्ञानियों ने एक पदार्थ ढूंढ निकाला जिसने मानो रसायन शास्त्र में एक क्रांति ही पैदा कर डाली। उस पदार्थ का नाम है बेंजीन। बेंजीन एक सुगंध युक्त स्पष्ट तरल होता है। विज्ञानियों को तो बहुत साल लगा ये पता लगाने के लिए कि एक बेंजीन अणु में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि ये कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से कैसे संपर्क में रहते हैं, किस तरह से जुड़े हैं ये एक दूसरे से, और बेंजीन अणु को किस तरह की संरचना देती हैं ये। आखिर में एक महापुरुष ने इसके बारे में ढूंढ ही निकाला। वो कौन थे, उनसे ये कैसे संभव हुआ, इसी के बारे में है ये कहानी। जर्मनी के गीजन विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे जिनको लोग सर्वश्रेष्ठ रसायनज्ञ मानते थे। उनका नाम था लीबिग। उनके अंदर मानो अभिनव और नूतन विचारों की धारा बहती थी। वो बड़े ही विश्लेषणात्मक थे। एक बार लीबिग को एक कोर्ट केस में बुलाया गया एक्सपर्ट गवाही देने के लिए। मामला ये था कि उस विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की। इस मामले में उस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक वास्तुशिल्प विद्यार्थी ने सबूत पेश किए। सारे सबूतों की अच्छी जांच करने के बाद लीबिग ने यह साबित किया कि उस विद्यार्थी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है, किसी ने उसका खून किया है। लीबिग के इन अद्वितीय तर्क सुनने के बाद वो वास्तुशिल्प विद्यार्थी जो था जिसने सबूत दिए थे, वो तो अचंभित रह गया। वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने वास्तुशिल्प अध्ययन वहीं पर छोड़कर रसायन शास्त्र में दाखिल हुआ। लीबिग के शिष्य बनकर 4 साल पढ़ाई की। उस विद्यार्थी का नाम था ऑगस्ट कैक्यूले। कैक्यूले आगे बढ़ते गए और पीएचडी पढ़ते गए। इसी दौरान सन 1855 में कैक्यूले लंदन में रहते थे। एक बार उनके दोस्त से मिलने के लिए वो टांगे पर बैठकर जा रहे थे। सुहाना सफर करते वक्त जैसी हमारी आंख लग जाती है, वैसे ही कैक्यूले को भी नींद आ गई। उनको नींद में एक सपना दिखा। उस सपने में ये बड़े बड़े कार्बन परमाणु और ये छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु तैर कर आ रहे थे। देखते ही देखते ये कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं को अपनी ओर जोर जोर कर खींच कर पकड़ने लगे, और तो और ये कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणुओं को भी अपनी ओर खींच खींच कर पकड़ पकड़ कर एक पंक्ति जैसी खड़ी हो गई। कैक्यूले चौंक कर उठ गए।
उठते ही वो अपने रूम में चले गए और सपने में दिखे उन चित्र को बार बार बनाकर मिटाकर बनाकर मिटाकर ये दिखाया कि ये लो भाई, कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से ऐसे संपर्क में रहते हैं। किंतु समस्या का हल आधा ही मिला था। बेंजीन के लिए ये वाली संरचना रसायन शास्त्र के नियमानुसार ठीक नहीं बैठ रही थी। तो अब 10 साल बाद सन 1865 में केक्यूले बेल्जियम के घेंट यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। वो वहां प्रोफेसर थे। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर अपने पाठ्य पुस्तक के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत घंटों बाद भी कुछ बात नहीं बन रही थी, इसीलिए वे उठे, अपनी कुर्सी को लेकर चिमनी के पास गए और कुर्सी पर आराम से बैठ गए। बैठते ही उनको आंख लगनी ही थी। जैसे ही उनको नींद आई, वो स्वप्न लोक पर पधारने लगे। वे वास्तुशिल्प के विद्यार्थी हैं, ऐतिहासिक स्थलों पर जा रहे हैं, पुराने इमारतों की तरफ जा रहे हैं उनके डिजाइन्स के अध्ययन करने के लिए, चर्च जा रहे हैं कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करने के लिए। अरे चर्च कितना सुहाना स्थल है, इनके दीवारों पर कितने मनोहर चित्र बने हैं। अरे ये चित्र तो हमारे जर्मनी पौराणिक कथा से है। हाँ बेटा, तुम तो बड़े होशियार हो। उनके दादाजी आए और उनको कथा सुनाने लगे। बहुत साल पहले एक बड़ी सी देवी हुआ करती थी। उसका नाम था एंग्रबोदा। उसके पति का नाम था लोकी। इन दोनों को 3 बच्चे थे। पहली वाली का नाम था हेल, जो अब नरक में रहती है। दूसरे वाले का नाम था फेनरीर, जो एक भेड़िया हुआ करता था। और तीसरे वाले का नाम था जौरमुंगांद, जो एक सांप हुआ करता था। एक बार ओदिन नामक देवताओं का देवता आया और उन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों ओदिन को वो जौरमुंगांद जो सांप था उस पर गुस्सा आ गया। तो ओदिन ने उस सांप को लेकर धरती को ही घिर लेने वाली एक महासागर में लेकर फेंक डाला। वो सांप जौरमुंगांद उस महासागर में रहते इतना बड़ा हुआ, इतना बढ़ता होता गया कि वो उस महासागर के जैसे ही धरती को घिरते घिरते अपनी पूंछ को अपने मुंह में ले लिया। दादाजी अपने अकॉर्डोलिया वाद्य को लेकर गाने लगे। ओ जौरमुंगांद, बन गए ना तुम ओरो बोरोस, प्रतीक अनंत काल का। संगीत वैसे ही बचता गया और इधर पानी जोर से बहकर आने लगा। उसमें कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु तैर कर आ गए। अरे इनको तो पहले एक स्वप्न में देखा था, अब भी देख रहे थे। कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं को जोर जोर से खींचकर अपनी ओर लेने लगे और दूसरे कार्बन परमाणुओं को भी लेकर पंक्ति बन गई। अरे एक नहीं, बहुत सारी पंक्तियां, वो सब संगीत में विलीन, कितनी सुंदर तरह से लहराते थे, बलखाने लगे, कितना सुंदर था उनका नृत्य। अरे अब ये क्या हो गया, ये सब ऐसे भयंकर नाचने क्यों लगे, ये तो अब सांप के जैसे नाचने लगे हैं, मोड़ने लगे हैं, बलखाने लगे हैं। अरे वो देखो, वो वाली पंक्ति, वो तो सांप के जैसे नाचते नाचते अपने पूंछ को अपने मुंह में ले लिया और चक्र के जैसे चक्राने लगा है। केक्यूले चौंक कर उठ गए। क्या था ये स्वप्न, क्या ये मेरी समस्या का हल था?
हाँ वही तो था। केक्यूले तब तक ये समझते थे कि एक बेंजीन की संरचना शायद ऐसी होती है सीधी, लेकिन अब उस स्वप्न के बाद वो सोचने लगे कि क्यों ना ये एक अणु उस सांप जैसे अपने पूंछ को अपने मुंह में ले ले। और इस विचार का परिणाम निकला ये बेंजीन की ये संरचना जो आज हम सब जानते हैं। क्या ये मैजिक है? एक तरफ से देखा जाए तो हाँ, ये मैजिक ही है। ये तंत्रिका विज्ञान न्यूरो साइंस का मैजिक है। ये हमारे दिमाग में एक विशेष कोशिकाओं का समूह होता है, इसका नाम है ग्रिड सेल्स। इनकी विशेषता ये है कि ये हमारे दिमाग के सचेत भाग यानी कि कॉन्शियस पार्ट और अवचेतन भाग यानी कि सबकॉन्शियस पार्ट, इन दोनों के बीच में प्रमुख आयोजक होता है, योजक होता है, मेजर कनेक्टर होता है। ये तब काम करना शुरू करते हैं जब हम आराम कर रहे होते हों, जब हम किसी के ऊपर जोर से दिमाग नहीं लगा रहे होते हैं ना, तब जब हम मन को थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटकने देने पर ये ग्रिड कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और हम दिन में भी सपने देखते हैं और इससे कभी कभार हमारी समस्या का हल भी मिल जाता है। केक्यूले के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ। उनके ग्रिड सेल्स ने उनके दिमाग के सचेत भाग में बहुत सालों से चल रहा जो समस्या था उसको लेकर और उनके अवचेतन भाग में से उनकी यादें, अनुभव ये सब लेकर मिश्रण करके एक सपना दिखाया और केक्यूले को उससे फायदा हुआ। अगर ऐसी कहानियां ढूंढकर हम विज्ञान पढ़ने लगे तो कितना दिलचस्प रहेगा। वैसे देखा जाए तो विज्ञान प्रमाणों से भरा वास्तविक कहानियों का भंडार ही कहा जा सकता है। अंत में एक उद्धरण प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने तो उनको परियों की कहानियां पढ़ के सुनाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और ज्यादा बुद्धिमान बने तो उनको और ज्यादा परियों की कहानियां पढ़ के सुनाइएगा। मैं लक्ष्मी आपसे फिर मिलूंगी। नमस्ते।